Odisha's best learning channel for CTET and all competitive exams. Your right decision make your bright future. Your success is your responsibility. Monday to Friday, back-to-back classes. Every Saturday, live mock test. Every Sunday, doubt clear classes. To get success, subscribe now. Hi students, तो previously हमें discuss करते हैं क्या वो उधर ना motion chapter में MCQs करते हैं अंगे ना नहीं तो ताकि सबको देखना हो मतलब कि ये देखिए चारों से ताकि वो आगे के MCQs तो हम कास्टों को self study जितना हो जाए तो तबे comment में mention कर दो को कुछ सिंटम कास्टों में आपको भी share anything का doubt हो ची ओके तो आज वाले बड़े इसे discuss करिया लाना हो ची projectile motion कहता ना projectile motion तो प्रथम कथा आला projectile कहले कौन projectile कहले माने करो ना टेकाटा एठी फोपाडले एमती टेकाटा फोपाडले स्टोन फायर करले तो जतले फोपाडला ताको तमे एठी किछि वेलोसिटी प्रदान करलो किछि वेलोसिटी दिया तो ड्यूरिंग द फायरिंग फायर हे कि जतले ट्रैवल करला से या ताको आउ कोनोसी प्रकार एनर्जी कोनोसी इंजन द्वारा कोनोसी फ्यूल द्वारा मिले नै केवल इनिशियली हम जति के एनर्जी देइतिले इनिशियली हम जति फोर्स देइतिले ता द्वारा ही से फायर होइ छै ओके नै तो ए भलिया प्रोपल्शन को बा ए भलिया मोशन को कम कहवा जाय ना प्रोजेक्टाइल मोशन बोली कहवा जाय जति के अनदर एग्जांपल धर गन फायर हैना बुलेट फायर हैना गन बुलेट फायर हैना तो इनिशियली फायरिंग हैला ताको वेलोसिटी किछि मिलला गन द्वारा तो बुलेट फायर हे कि जतरा मोशन कला किछि बाट गला पर तलक पड़ जाइति हो गेला नै तो ड्यूरिंग प्रोपल्शन ड्यूरिंग द मोशन कोनोसी प्रकार आउ कोनोसी प्रकार रो फोर्स तबर अप्लाई हे नै बा कोनोसी इंजन द्वारा बा कोनोसी फ्यूल द्वारा ताको फोर्स मिले नै तो ए प्रकार मोशन को कि मोशन कहते ना प्रोजेक्टाइल मोशन कहते ओके ए आर दिटा एग्जांपल रॉकेट फायर हबा बुलेट फायर हबा बा और टेकटा स्टोन टाको ऊपर देवा किछि एंगल ला एरा सब कहार एग्जांपल ना प्रोजेक्टाइल ला एग्जांपल ओके तो ओटा एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल रा स्टडी करिबा हला नंबर 1 से एप्लीकेशन मिशन होछि नंबर 1 कहले कोन ना फायर्ड हॉराइजॉन्टल हॉराइजॉन्टल माने एटा होछि हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन एटा होछि को डायरेक्शन वर्टिकल फायर हॉराइजॉन्टल सपोज ये हाइट रे हमगुला वस्तु को रखी छे एनी बॉडी एट सम हाइट किछ हाइट रे छे ताको फायर हॉराइजॉन्टल माने ए डायरेक्शन में फायर कर हम कहबा सर फायरिंग बेले ग्रेविटी रो इफेक्ट रहतबो ना नहीं प्रोजेक्टाइल ऑब्वियसली ग्रेविटी रो इफेक्ट रहबो तो जतले फायरिंग हेतबो ताको किछ इनिशियल वेलोसिटी प्रदान कराइतबो हो कि ना नहीं तो फायरिंग बेले ताको इनिशियल वेलोसिटी दिहे आ ए इनिशियल वेलोसिटी सबले को डायरेक्शन horizontal direction vertical velocity किछि नथिबो त माने ए जगह रे एई पोजीशन रे जतरा बटा हाइट रछि तो इनिशियल होराइजॉन्टल वेलोसिटी हला केते ना u इनिशियल होराइजॉन्टल वेलोसिटी हला u किंतु इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हला 0 इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हला केते 0 इनिशियल होराइजॉन्टल वेलोसिटी किछि नाही इनिशियल vertical velocity हला कहते ना 0 ओके नेक्स्ट तो हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी जतबे से तळा आड़ पडियो लागिवो ग्रेविटी रो इफेक्ट पडिवो किंतु हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऊपर ग्रेविटी रो कोनोसी इफेक्ट नाही काहे कि ना ग्रेविटी रो इफेक्ट सबले वर्टिकल डायरेक्शन में थाए जे तळा आड़ पडतो ताको टाण वर्टिकल डायरेक्शन रो कंपोनेंट सबबेले अफेक्टेड होवे का दर ना ग्रेविटी दर हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर ग्रेविटी रो इफेक्ट सबबेले समान तो ग्रेविटी रो कोनोसी इफेक्ट हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन ऊपर न थाय ग्रेविटी इफेक्ट सबले को थाय वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी इफेक्ट थाय तो दैट मींस जे कोनोसी पोजीशन को जा हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी सबले से u ही मिलियो जे कोनोसी पोजीशन में त माने तळ को पडिबा पूर्व भी जदी हम मेजर करिवा ताल सेतबेले भी हमको हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी केते मिले u किंतु जेहेतु तळाड़ पडु जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द्वारा एक्सेलरेट हे हे आसुतो ताले डाउनवर्ड वेलोसिटी माने वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी टा सेटा बॉडी बॉडी के आसुतवा तो दैट मीन्स ए वेलोसिटी टा पाउथु एटा का द्वारा पाइबो ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द्वारा ही पाइबो सेटा को टाणी के तळु पडतो तो केते सेटा अब हम फार्मूला जानचे v u at जानचे हो कि ना नहीं तो हमें जानचे ग्रेविटी ही ताको एक्सेलरेट करूची तळाडू को तले एक्सेलरेशन केते ना gt किंतु इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मु केते जानचे ना 0 तो दैट इज 0 gt ता माने केते वेलोसिटी पाइबा gt तो जेते टाइम नउथो तळु का सिनाल को सही अनुसार वेलोसिटी पाउथो से ताले वर्टिकल वेलोसिटी हला के तना जीटी तो पडिलाड को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हला u ताले एठी पडिलाड को जे कोनसी गोटे टाइम इंस्टेंट रे फाइनल वेलोसिटी केते हेतिबो ना v दैट इज द r स्क्वायर हम केबि बाहर कर रिजल्टेंट x कंपोनेंट रो स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट रो स्क्वायर रूट ओवर धर एटा ax एटा ay ता रिजल्टेंट केबि बाहर ना ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रो कोन ना रूट ओवर अगरा नहीं बस तो एटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते u वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड जेहेतु एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द्वारा से पाउथबो दैट इज gt ताला हम एटी कहि परबा दैट इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर p स्क्वायर रा रूट तो तुम जदी पचरि थाए जे कोनसी कोटा टाइम इंस्टेंट रा वेलोसिटी ताले तमे केमिति कैलकुलेट करिवो ना u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर p स्क्वायर रा रूट ओवर पके के तमे कैलकुलेट करि पारिबो मुझे लगाता तो पाथ टा केमितिया देखिया को ता विषय स्टडी करिया बर्तन इटा भारियला फाइनल वेलोसिटी जे कोनसी गोटे टाइम इंस्टेंट रे हम बाहर कर परिवा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया आइतिबो इनिशियल पोजीशन रे वर्टिकल वेलोसिटी किछि नाही तो पडिला आलगु से धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट बा वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पाउथबो काहे ना ग्रेविटी ताकू डाउनवर्ड डायरेक्शन रे को करथबो टाणथबो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रे ग्रेविटी रो कोनोसी इफेक्ट नाही केना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे ग्रेविटी रो किछि इफेक्ट न था जे कोनोसी पोजीशन रे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेजर करबी सबले से u ही बाहर ओके तो जदी वर्तमान पाथ रो नेचर केमतिया स्टडी करबे जोटे की परीक्षा रे गोटा क्वेश्चन पड़े व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जे कोनोसी से गोटा प्रोजेक्टाइल रो पाथ रा केमतिया देखियो को नेचर केमतिया देखियो नेचर माने केमतिया देखियो स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक हाइपरबोलिक इलिप्टिकल व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ओके सो फटाफट नोट डाउन करने ओके जिबा आपको ता नेचर पर देखिबा पाथर केमतिया तो x = ut दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड = वेलोसिटी * टाइम धर t टाइम लागि छि मोशन पई तले डिस्टेंस कवर्ड = वेलोसिटी * टाइम x = ut ता जानि तले t = केते t = x / u t = केते ना x / u t = x / u t = x / u ताला हमें जानि चेक करते s = u t + हाफ at स्क्वायर ए फार्मूला तुमको ऑलरेडी मोशन चैप्टर रे डिस्कस कला बले कहि छी मुंड रे फिट करनबो s = u t + हाफ at स्क्वायर इंपोर्टेंट फार्मूला s = u t + हाफ at स्क्वायर किंतु इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी केते किसो पूर्व कहथि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 ताले वर्तमान इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जति 0 ताले y केते हिबो काइना डाउनवर्ड डायरेक्शन रे पडुछ डाउनवर्ड मान वर्टिकल डाउनवर्ड मान कोन ना y एक्सिस y इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हाफ a हला कोन ना x बाय सॉरी a रहिला दैट इज a एटा टाइम हला केते ना x बाय u रा स्क्वायर टाइम हला x बाय u रा स्क्वायर ओके तो वर्टिकल डाउनवर्ड जेहेतु दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करबा दैट इज g a जगह रे कोन लगी यूज करे g so that is a का बर्तन स्क्वायर खोलते हो दैट x स्क्वायर बाय u स्क्वायर x स्क्वायर बाय u स्क्वायर ओके x स्क्वायर बाय u स्क्वायर ताको ब्रैकेट भीतर रख दो g बाय 2u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माने एटी y इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर हे गलानी ए बडा इक्वेशन कहार ना पैराबोला तो एटी गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पड़े 100% शॉर्ट क्वेश्चन mcq एंट्रेंस पाई what is the nature of the path what is the nature of the path what is the nature of the path of a projectile nature of the path of a projectile what is the nature of a path of a projectile question answer देथिबो a रे parabola b रे hyperbola c रे circle d रे ellipse धीरे धारा देखिबा ellipse तमे लिखबा कोन parabolic path बा parabola लिख परियो. व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑप्शन देथिबा तुमको मन रखता parabola. तो मन रखता नोट डाउन करने का तारे parabola parabola कौन बोला parabola. ओके फटाफट नोट डाउन नोट नेक्स्ट जब तब वो पचारीबा तो हॉरिजॉन्टल फाइनली केते टाइम रे से तळे पहुंचबा बट टाइम ऑफ फ्लाइट केते टाइम ऑफ फ्लाइट मान उडी जाय तळे पडलालु तको केते समय लागिबो ताले केमित करबो माने एटू से फायर होची आसी तळे पहुंची तो एटू जे पडिया को केते समय से लागिबो. ओके तो सेटा केमित बाहर करबा तो हम पाखर फार्मूला आची एस इक्वल्स टू कोइचला इंपोर्टेंट फार्मूला एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. Okay, the maximum height कितना है जी? ना h is the height. तो हम लिख लिए h. Initial vertical velocity कितना है? ना 0 into t plus half that is कितना है? gt square. तो that is कितना होगा ना h is equals to g by 2 into t square. ताले t square is equals to 2h by g. ताले t is equals to 2h by g. रखोन ना रूटोर. ये टा होची time of flight का formula. हाइट जदि तमे जानिथिबो केते हाइट रो बॉल टाकू ड्रॉप कराउची बा बॉडी टाकू ड्रॉप कराउची ताहाले तमे जानि पाइबो. ओके एटाला टाइम बा टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करनियो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला सब रखुथबो इंपोर्टेंट दरकार हो कांसेप्ट का भी कोची फटाफट. ओके नेक्स्ट तापरेला हॉराइजॉन्टल रेंज माने हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में केते बाट कवर करची हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में केते बाट कवर करची दैट इज द हॉराइजॉन्टल रेंज. हॉराइजॉन्टल रेंज केमती बाहरियो बर्तन देखा पडाव जकिया हॉराइजॉन्टल रेंज केमती बाहरची. ओके तो r = हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हुए ना काहे की ना ग्रेविटी रो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट केते समय लागिला तो एबे बाला टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ला u टाइम ऑफ फ्लाइट ला 2h/g रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ला u टाइम ऑफ फ्लाइट ला 2h/g ताले हॉरिजॉन्टल रेंज ला u * 2h/g रूट ओवर u * हॉरिजॉन्टल रेंज u * 2h/g रूट ओवर u * 2h/g रूट ओवर. ओके नेक्स्ट तो जतबे बॉडी टा तळे पडुया को जाउथबो सेतबे सिए बॉडी टा तळे पडिया को जाउछ ए जगह रे सपोज ए जगह रे तार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी त u थिबो वर्टिकल वेलोसिटी केते v = gt थिबो vy वर्टिकल वेलोसिटी vg केते gt gt vy gt वर्टिकल तो ता रिजल्टेंट टा को डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेलोसिटी ए डायरेक्शन में दैट इज v सपोज रिजल्टेंट वेलोसिटी होला v. ओके तो वर्तमान ए बीटा टा केते होबो 50 बीटा बीटा माने ए एंगल केते एंगल करी कि से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सहित केते एंगल करी बॉडी टा को करछ तळे पडुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सहित तो जदी मैं एटी ओटा परपेंडिकुलर पकेई दिए ए जी परपेंडिकुलर टा पकेई दिए तार वर्तमान ये जेतु vy ये भी कहते ना vy दैट इज vy इक्वल्स टू कहते ना gt त एटा परपेंडिकुलर हैला gt बेस हैला कहते ना से u ताले tan बीटा कहते होबो ना परपेंडिकुलर बाय बेस tan बीटा कहते होबो ना परपेंडिकुलर बाय बेस tan बीटा p/b परपेंडिकुलर बाय बेस gt/u ताले बीटा कहते होबो ना tan inverse gt/u. तुम को कहला ना बॉडी टा तले पडुची केते एंगल करके पडुची हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से तो सेत पई को कहला ना परपेंडिकुलर पकई देले एटा जेतु vy ये भी vy तो vy = gt हम जानि छे तो एटा हला बेस बेस हला u तो परपेंडिकुलर बाय बेस हला कोन ना tan बीटा बीटा = tan इनवर्स बराबर न कलिया हॉरिजॉन्टल फायर हेले कंडीशंस कोन होबा एटा होची तार आंसर. Okay, next. Kichi angle le jodi fire kala, then mu kothre teka pakida. Kichi angle le jodi fire with some angle. Fire with some angle. This one is the angle of fire. So initial velocity suppose mu u dech. So horizontal direction of velocity upare gravity ra konosi effect na tha. Okay na nahi. So eta u jetar dechi, eta dhar theta angle kar. Eta horizontal component, eta vertical component. So ye kehte na u cos theta. ये कहते हैं जो ना u sin थीटा एटा ऑलरेडी हम जानि छे एटा जति वेक्टर हेता छि थीटा एंगल करता है एटा a एटा थीटा तने एटा कहते हो ना a cos थीटा तने एटा कहते हो ना a sin थीटा जा से एंगल करथिबा त cos थीटा या से एंगल कर नथिबा से कहते है जो ना sin थीटा काई कि एटा जति थीटा एटा 90 - थीटा तने a cos 90 - थीटा कहते sin थीटा तो सेति पे a sin थीटा हेते छै तने डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते है ना u cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हला केते ना u sin थीटा तले को कंपोनेंट ता चेंज होबो नै तले u cos थीटा कंपोनेंट ता वेरी करिवो नै काहे कि ना सेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी रो कोनोसी इफेक्ट न थाय ओके ना नै तो वर्तमान ता माने जे कोनोसी पोजीशन में हम मेजर करिवा तले हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सबबेड सेम मिलिवो दैट इज u cos थीटा जे कोनोसी पोजीशन पढिबा पूर्व भी जदि मु मेजर करबी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबबेड सेम मिलिवो दैट इज केते ना u cos theta. ओके ताले वर्तमान जदि मु कहिबी पाथ इक्वेशन ऑफ द पाथ केते होबा ना इक्वेशन ऑफ द पाथ पाई हम बाहर फार्मूला अछि इंपोर्टेंट फार्मूला s = ut + half at square. ओके तो y = इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी केते एठी अछि ना u sin theta एठी अछि * t + half ये जे तो अपवर्ड डायरेक्शन में फायर होची त माने अगेंस्ट द ग्रेविटी दैट इज -g मु लिखिबे अगेंस्ट द ग्रेविटी जे जाउची -g अन तळु को जदी पड़िथांदा ये जदी तळु को पड़िबो ऊपर तळु को पकेबो ताले मु कहितली +g जदी तळु ऊपर को फायर होतो ताले मु कहिची कोन ना -g ताले t वर्तमान केते काई ना हम जानि छे दैट इज पोजीशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पोजीशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम तले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केतना u cos थीटा तो u cos थीटा इनटू t तले t = x / u cos थीटा तले वर्तमान एट पड़ जिवो x स्क्वायर बाय स्क्वायर पर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो वर्तमान ए इक्वेशन को तमे लक्ष्य करि परिबो इक्वेशन नो मैक्सिमम पावर को फार्मूला अछि ना x स्क्वायर फार्मूला आसी गलानी एठी t जगह रे हम एठी पके दे परिबा एठी t जगह रे केते ना x / u cos थीटा तो ये गला cos का u u कटि गला sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जबो दैट इज माइनस हाफ gx2 बाय u2 cos2 थीटा तो एटी जहां भी आसीला एटी y डर हाईएस्ट पावर के x2 ताने y इन टर्म्स ऑफ x2 आसीला मु कहिथिली प्रीवियस रे y यदि x2 टर्म्स रे आसे ताले केबिजा ग्राफ रसे फुल मु कहे पैराबोला बोली ताले कंप्लीट कंक्लूजन हला ताले जेकोनसी प्रोजेक्टाइल पाथ गोटे की पाथ हो ना पैराबोलिक पाथ हो की पाथ ना पैराबोलिक तो सब क्वेश्चन भी जोरा कहिथिली से सब क्वेश्चन ओके नेक्स्ट हला मैक्सिमम हाइट केते जाय मैक्सिमम हाइट कोटा ना एटा उडी 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 जाय कोट पजो दिस वन इज द मैक्सिमम हाइट केते एंगल ले गले मैक्सिमम केते हाइट पर्यंत से पहुंची परिबो ता परे से कोनसु तळु को खसी आसीबो ताले वर्तमान हम देखिबा मैक्सिमम हाइट रो फार्मूला एस्टैब्लिश पाई मैक्सिमम हाइट केते फार्मूला हे परिबो मैक्सिमम हाइट पाई ओके तो देखो फार्मूला पाई मैक्सिमम हाइट पाई तो हम पकरे फार्मूला अछि इंपोर्टेंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at v = u + at हां कि नै तो v = u + at ओके तो जतबे ऊपर आड़ को जाउथबो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब बेले सेम किंतु एई पॉइंट रे पहुंचला कि ऊपर आड़ को जाउछ माने अगेंस्ट द ग्रेविटी माने ग्रेविटी तक अपोज करथु काना ऊपर आड़ को जाउछ ग्रेविटी चाउथ पर तळु को टाणी एकु जे किंतु ऊपर आड़ को जाउछ त माने अगेंस्ट द ग्रेविटी त माने तार वर्टिकल कंपोनेंट रो वेलोसिटी धीरे धीरे कमी कमी जाउथु तो वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करी 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 एई जगह पहुंचलो केते केथु ना 0 त माने वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी एई जगह 0 होइतो किंतु हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रो ग्रेविटी कोनसी इफेक्ट पकेबो नाइसी से u cos θ है कि हॉरिजॉन्टल रिमेंस u cos θ वर्टिकल वेलोसिटी केते हे जेतो ना 0 हे जेतो ताले फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू केते ना 0 किंतु इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी एला केते ना u sin थीटा अगेंस्ट द ग्रेविटी माने g एंड मैक्सिमम हाइट g t u sin थीटा g t ताले मैक्सिमम हाइट रे पहुंचबा केते टाइम से वर्तमान नबा एटा मैक्सिमम हाइट रे पहुंचेब से हम t m लिख देली ताले g t m इज इक्वल्स टू u sin थीटा ताले t m केते मैक्सिमम हाइट रे पहुंचे को by u sin theta by g maximum height रे पहुंचे को केते टाइम नबो ना u sin theta तमन तन थीटा जाय थिवो से अनुसार ए टाइम ता चेंज हो तमे जति के एंगल रे फायर करथिवो जति के एंगल रे ताकू छाडी थिवो आ इनिशियल वेलोसिटी जति के देथिवो सेही अनुसार तम टाइम ता बाहरिवो ओके गला एटा हला मैक्सिमम हाइट रे पहुंचे को टाइम नोट डाउन करना tm = u sin थीटा / g फार्मूला गुडा जाहि मु एस्टैब्लिश करू छी फटाफट चलेबो नेक्स्ट तापर आसीला टाइम ऑफ फ्लाइट माने उडीबा टाइम ऑफ फ्लाइट माने उडी के आसी एठी पहुंचे एठु उडीला एम्ति उडी के आसी एठी पहुंचे को केते समय नउची दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट पाई s इक्वल्स टू फार्मूला अछि ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो हमें तबे अगेंस्ट द ग्रेविटी छाडी छे हो कि ना नहीं ऊपर आड़ के अगेंस्ट द ग्रेविटी टाइम ऑफ फ्लाइट पाई तो दैट इज सपोज तो इनिशियल हमारा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं ना u sin थीटा into tf दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g tf स्क्वायर काहे के हम कली ना ए जगह माइनस g का यूज कली मु अगेंस्ट द ग्रेविटी तक फायर करछु बोली against the gravity fire करछु बोली minus g लेखली initial vertical velocity एतिक ओके initial vertical velocity एतिक बुझेला तो जेहेतु vertical displacement कहते एटू आसीला एम्ति उडी उडी के आसी एठी पहुचबो तो ता माने एटू बाला तले एठी पहुचला तले horizontally से किछि बाट जाई छि किंतु vertically displace कहते छि किछि भी displacement मु कहितिल ना घुरी घुरी के आसी जदी एठी पहुंच जाए त डिस्प्लेसमेंट कहते तो जो लेवल लो स्टार्टिंग क्लास से लेवल ले जदी पहुंच गेला त माने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहते जीरो किंतु हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अछि हॉरिजॉन्टल कहते जादा जाई छै हम जानि ना करतैला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो तले u sin थीटा tf minus half g tf square तो वर्तमान ताले हम कोन करि लेबा half g tf square equals to u sin थीटा tf तो गोटे tf कटि गला 2 टा गुणा हे जीव g हराइ जीव तले tf इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g ता माने मैक्सिमम हाइट रे पहुंचे को जति के टाइम निए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तार ठीक 2 गुणा हमन हम कहि परिबा tf इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tm मैक्सिमम टा हाइट रे पहुंचे को जति के टाइम तार 2 गुणा होची के ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नेक्स्ट त वर्तमान मैक्सिमम हे जो हाइट केते थीटा एंगल ले जाउची u वेलोसिटी दिया आइची त ताले मैक्सिमम हाइट ता केते हो मैक्सिमम हाइट रे पहुंचे को टाइम हम बाहर कर देले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी बाहर कर देले तार रिलेशन भी लिखि देले तो वर्तमान सब जाक बॉक्स करूची फटाफट वीडियो जरूर नोट करि नउतबो तो म सुविधा पाई ओके तो वर्तमान चलो तो मैक्सिमम हाइट ता केते हमें देखिबा मैक्सिमम हाइट पे फार्मूला कोन v square minus u square equals to 2as सब जाक से इक्वेशन मोशन फार्मूला तो आरंभ करो तो मैक्सिमम हाइट रे पहुंचला को फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी केते हिकिमो म इटा चर्चा करथिनि केते ना 0 बोली कहिथिनि मैक्सिमम हाइट रे पहुंचला को फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी केते 0 किंतु इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा रो कोन ना स्क्वायर u sin थीटा रो स्क्वायर हो गेना नै जेंतु अगेंस्ट द ग्रेविटी छडा होची ताले कोन लिखिबा ना माइनस जी बारंबार चली छ कि ना नहीं मैक्सिमम हाइट हला केते ना hf मैक्सिमम हाइट hm लिख दियो कहिना मैक्सिमम हाइट एटा hm ओके एटाला hm सो दैट इज व्हाई वर्तमान माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ghm ताले hm केते दीपट मैक्सिमम हाइट कटि गला माइनस तापर एपटानी हल दियो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 g u square sin square theta by 2g this one is the maximum height re kete maximum height kete Next, last one is the horizontal range. It is maximum height. Next one horizontal range. Theta angle le u velocity tak fire करायछि ताले horizontally से केते बाट जीवो horizontally से केते बाट जीवो. Okay, so r is equals to केते now that is the horizontal velocity into time of flight. मु कहितले horizontal velocity into total time of flight. Total time of flight horizontal velocity केते बाहर इतना horizontal velocity आ सॉरी ये जानी चाहिए u cos theta horizontal velocity. Total time of flight ta kete total time of flight that is 2u sin theta by g. Already video को back कर देखि परिबा 2u sin theta by g total time of flight कहिथिन ना twice of maximum height रे पहुँचे को जेति के टाइम तारो 2 गुना यदि आपको मल्टीप्लाई कर दिया इटा u into u हैला u square 2 sin theta into cos theta trigonometric formula 2 sin theta into cos theta एंड कहते ना sin 2 theta तो u square sin 2 theta by कहते ना g u square sin 2 theta by g u square sin 2 theta by g. तो horizontal range पाई भी फार्मूला आइला u square sin 2 theta by g u square sin 2 theta by g. maximum height पाई फार्मूला u square sin square theta by 2g. horizontal range पाई फार्मूला u square sin 2 theta by जी. इंपोर्टेंट फार्मूला सबो मुंडरे चलेबा इंपोर्टेंट फार्मूला. तो कौन कौन फार्मूलाज बाहर कले तो फार्मूला जेला गुटाला कोन ना मैक्सिमम हाइट रे पहुंचे केते टाइम नउची टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट केते तापर कोन ना हॉरिजॉन्टल रेंज केते अंडर मैक्सिमम हाइट ता केते थीटा एंगल ला u वेलोसिटी जदी फायर होतबा ताले मैक्सिमम हाइट ता केते. ओके, तो वर्तमान देखिबा कोन सपोज r equals to u square sin 2 theta by g. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज केते हो विभिन्न एंगल ले फायर हेतु सबुटो अधिका हॉरिजॉन्टल रेंज केते एंगल ले जाय परबो विभिन्न एंगल ला u वेलोसिटी रे u इनिशियल वेलोसिटी रे डिफरेंट एंगल ले फायर करि परिबा डिफरेंट एंगल जेमति के पिक्चर कोची देखो डिफरेंट एंगल में फायर करछे डिफरेंट एंगल तो इनिशियल वेलोसिटी समस्त तुम समान देछि डिफरेंट एंगल रे फायर करछि ताले केते एंगल रे फायर करले सेही u वेलोसिटी रे सबुटो अधिक दूर पर्यंत हॉरिजॉन्टली जाई परबो. तो एटा का ऊपर डिपेंड करबो ना sin 2 थीटा ऊपर. तो sin 2 थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू केते ना 1. तो केते बेले ना जते बेले sin 90 ताले 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 ताले थीटा इज इक्वल्स टू केते डिग्री ना 45 डिग्री. ता माने जल्दी मो u वेलोसिटी 45 डिग्री रे एंगल रे फायर कर दिए ताले मो से u वेलोसिटी पाई सबुटु अधिका बाट हॉरिजॉन्टली जाई परबी. तामाने केते एंगल रे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करि परबी दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो एटी गोटे क्वेश्चन पड़े द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल the angle of projection of a projectile with horizontal for which its range माने horizontal range means horizontal range will be maximum answer is 0 degree 30 degree C 60 degree D 45 degree. What is the answer? 45 degree is the answer. Maximum kete angle hele se sabutu adhika dura parjanta horizontal jai pariba that is kete na 45 degree. Okay, next I would very important question achi dana dhare horizontal range formula la r equals to u square sin 2 theta by g. ताले वर्तमान जदि जड़े दुटा प्रोजेक्टाइल ए एंड प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टाइल ए डा थीटा एंगल ले फायर हैला प्रोजेक्टाइल बी डा 90 माइनस थीटा एंगल ले फायर हैला प्रोजेक्टाइल ए डा थीटा एंगल माने धरो ये 30 ये 60 ये धरो 15 डिग्री ये सेंदी 19 minus 15 डिग्री तो तामाने ये थीटा ले ये 90 minus थीटा एंगल ले फायर हैला किंतु इनिशियल वेलोसिटी आर बी यू आकु बी वेलोसिटी दिया छि यू तने मु कोन लिखबी आर ए दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर ए प्रोजेक्टाइल तने u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g ताले r b को लिखिबे ना u स्क्वायर sin 2 90 माइनस थीटा बाय g ताले दे लिखिबे u स्क्वायर sin गुणी दियो 180 माइनस 2 थीटा बाय g किंतु व्हाट इज sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ताले sin 180 माइनस 2 थीटा किते sin 2 थीटा ताले आंसर इज व्हाट आंसर इज सेम जहा अछि सेया दैट इज u स्क्वायर आंसर आर केते आंसर इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g त माने r a इज इक्वल्स टू व्हाट ना r b त कोन कहि परबा ना जदी जने थीटा एंगल आउ जने 90 माइनस थीटा एंगल ले प्रोजेक्टाइल फायर्ड हे थाए दिजन के इनिशियल वेलोसिटी समान थाए ताहाले दिजन को हॉराइजॉन्टल रेंज भी कोइ जबो ना समान हे जबो दिजन को हॉराइजॉन्टल रेंज भी कोइ जबो ना समान हे जबो बुझियाला फटाफट नोट डाउन कर दियो ओके तो ए हिसाब रे गोटे क्वेश्चन अछि एमसीक्यू वाला कोन दै छी एमसीक्यू two projectiles are projected with same speed at 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal the ratio of their horizontal range option 1 1:1 option 2 1:2 option 3 1:4 option 4 none of these तो मु कहली जदी थीटा 90 माइनस थीटा एंगल फायर हेतु सेम वेलोसिटी थिबो ताहले तांकर हॉरिजॉन्टल रेंज समान तले ये देखो ये थीटा ये 90 माइनस थीटा 16 थीटा 90 माइनस 9 90 माइनस 3 60 तले जब थीटा 90 माइनस थीटा सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड अछि सेम स्पीड तले ऑफ कोर्स द आर 30 एंगल जे फायर हितवा तार हॉरिजॉन्टल रेंज जहां दिबो 60 एंगल जे तार हॉरिजॉन्टल रेंज से आइतवा तले आंसर इज केते 1:1 तले रेशियो समान 1:1 ओके तो ऑल थिंग प्रोजेक्टाइल लो फंडामेंटल हम कवर कर देली किछ टाइम सीक्यू करै छी नेक्स्ट वीडियो हमरे ओनली प्रोजेक्टाइल लो एमसीक्यूज वगैरह करै की देबी ओके तो प्रैक्टिस करो फटाफट वीडियोस देखो वीडियोस रे जे डाउट्स अछि बा किछ जदी पचरबार अछि कमेंट्स रे पचर थैंक यू।